सा सहरा, ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं, बारिश बारिश भी हो जाते हैं। देखना जफर, पूरी दुनिया मुझे जानेगी। खालिस्तान का ही नाम होगा जफर। मैंने कहा जल्दी उठो, उठो वरना जान से मार डालूंगा। चलो जल्दी चलो। अयास, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। जफर, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें ठोक दूंगा। तुम क्या करने लगे हो बोलो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, अयास को मार डालूंगा मैं। फरहत, बात सुनो, समझने की कोशिश करो, तुम अभी तक कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानता हूं मैं, ऐसा करना बहुत जरूरी है। पहले अयास मरेगा, ना खालिज ना हल्दून और ना ही कोई और बचेगा, मगर उसके लिए अयास को मारना जरूरी है। मैं तुम्हें बता दिया होता, पर ऐसा वैसा कुछ मत करना फरहत। भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं, I'm sorry.
ये क्या हो गया मेरे भाई, कैसे हो गया? मैंने बताया नहीं, मगर मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई हूं मैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई? अयास मेरे भाई, आखिर भाई इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, आखिर क्यों किया इन्होंने हमारे साथ ऐसा? इस दुनिया ने हमें दूर कर दिया था यास, हमने खो दिया था एक दूसरे को, हमने अपना सब कुछ खो दिया था। हर कोई हमारे जज्बात से खेलता रहा, अपने मफाद के लिए हमें दुश्मन बना दिया, मतलब पूरा करने के लिए हमें इस्तेमाल किया गया। हमारे बाबा हमसे दूर चले गए, इन लोगों की वजह से हमारी माँ और बहन दूर हो गई, इन लोगों ने हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, माफ कर देना मुझे। अयास अयास नहीं, ये सिर्फ मेरा ख्याल है, ये मेरा भाई नहीं हो सकता। ये हल्दून का आदमी है, बाबा के कातिलों में से एक है। और अगर ये वाकई मेरा भाई हुआ तो क्या होगा? खलीश यहां पर क्या लेने आया है? कैसे हो बेटा, क्या हाल है तुम्हारा? क्या हुआ है? लगता है मुझे यहां देखकर अच्छा नहीं लगा तुम्हें। ये कैसी शक्ल बना रखी है तुमने? आपको इससे क्या लेने देना, मैं तो बस पूछ रहा हूं तुमसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी फ्लॉप फिल्म के हीरो बने हुए हो, इसलिए तो मैं पूछ रहा था कि क्या परेशानी है तुम्हें। लगता है तुम न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते। ठीक कहा ना मैंने? आखिर तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? हाँ, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी जान पर खेलते हैं, दुश्मन से मुकाबला करते हैं, जख्मी होते हैं, पर तुम लोगों को इसकी जरा भी परवाह नहीं। कर रहे हो तुम यहाँ? अपना अधूरा काम मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। देखो फिलहाल तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये वो नहीं है। हमारे इस ऑपरेशन में जितने लोग शहीद हुए उन सब की वजह अयास है, इसकी वजह से सब हुआ। मैंने कहा ये वो नहीं है, मैंने खुद वीडियो देखी है, अगर तुम चाहो तुम भी देख सकते हो। पर मुझे जो लगा वो तुमसे कह दिया, उन्हें भगाने में इसी ने तो मदद की है, यही मुजरिम है। मैंने खुद सब देखा है, मैं वादा कर चुका हूं गुल, वादा कर चुका हूं उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाने दूंगा। मेरी बात सुने खालिद साहब, मैं एक आम इंसान हूं,
आपके हुक्म के ताबे नहीं हूं मैं। ऐसे घूर घूर कर मुझ पर रोब जमाना आपका काम नहीं। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? गवर्नमेंट आपको आपकी जॉब के लिए तनख्वाह देती है और उसके बदले हम लोगों से टैक्स लेती है, और इसलिए आपको मुझसे यह सब पूछने का कोई हक नहीं। इंप्रेस हुआ हूं मैं तुमसे। बक 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 बक, तुम हमारे बारे में अभी जानते ही कितना हो। अब सुनो जरा, तुम्हें अगर ये जिंदगी मिली है तो इसकी हिफाजत करना भी सीखो। मेरी बात पर गौर करना। फरहत, इनमें से किसी को मार दोगे तो क्या होगा? क्या खालिश और अयाज को मारने से तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो क्या इन्हें जिंदा छोड़ दूंगा मैं? इन्होंने मेरे बाबा को मारा है और तुम्हारा भाई बिलाल इन्हीं की वजह से गया। ये बताओ कि आखिर उन लोगों का गुनाह क्या था? लगता है गुस्सा आ गया है तुम्हें, है ना? अब जा सकते हो तुम। हाँ, यानी मैं आपकी वजह से जिंदा हूं? हाँ बिल्कुल। यानी अगर आप ना होते तो मैं मर जाता? हाँ ऐसा ही है। भूलना मत, शहीदों की वजह से है ये मुल्क, और किसी की भी किसी वजह से नहीं है। आज इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। फरहत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, रुक जाओ प्लीज। बड़ा आया शहीदों का गवाह। इन्हीं फजूल बातों के सिवा ये लोग कुछ कह भी नहीं सकते, पागल हैं ये सारे। मगर एक दिन जान जाएंगे, पता चल जाएगा इन्हें कि खलिजदान कौन है, सब जान जाएंगे। गुल, मेरे बाबा और तुम्हारे भाई का कातिल वो जा रहा है। तुम मानो या ना मानो, ये इस मुल्क के दुश्मनों का साथ देने वाला है। मुझे ये बताओ कि तुम बार बार क्यों उसे अच्छा कहती हो? हाँ मेरी बात सुनो, वो आदमी अगर मेरा सगा भाई भी होता तो तब भी उसे रोकता मैं। तुम ठीक कह रहे हो फरहत। कैसी हो जानान बेटी, क्या हुआ? घर में कोई नहीं है क्या? बाबा घर पे नहीं है। एक मिनट रुको तो सही जरा, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ आज खाना साथ में खा लेते हैं, सवाश भी घर पे ही होगा। नहीं खाना तुमने? सब समझ गया हूं मैं। हाँ सच, वो तुमने जो फैसला किया पसंद आया मुझे। अच्छा है, अगर जान प्यारी है तो सब ऐसे ही रहना चाहिए, वरना खाम खा में ही बात बढ़ जाएगी, ऐसे ही शोर शराबा होगा। ये सब समझ सकता हूं मैं, जवान होने के साथ साथ तुम जज्बाती भी हो, पर यह सब तब अच्छा लगेगा जब तुम खलिजदान के घर उसकी बहू बनकर आओगी, तभी खूबसूरत लगेगा तुम्हारा ये अंदाज। तब तुम्हारे नाम के साथ दान भी लग जाएगा, क्योंकि बहू जो बन जाओगी तुम खलिस्तान की। जनान, मेरे यहाँ आने का भी यही मकसद था कि तुम सारी सच्चाई जान सको। अगर खलिद जान गया तो तुम उसे नहीं जानती, वो तुम्हें और अयाज दोनों को मार देगा। Have a nice day. अपना ख्याल रखना। हल्दून, देख लूंगा मैं तुम्हें भी। अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, देखते हैं।
जानता हूँ सेवाश, जो कहने आए हो मैं सब जानता हूँ। तुम यही कहने आए हो ना कि हमारी कंपनी में जो चोरी हुई थी वो अयाज ने की है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना सेवाश? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सब कुछ मैं नहीं बल्कि ये फाइल्स कह रही हैं। देखो ये फाइल तुम्हें जिसने दी है उसे बाजू से पकड़ो और उसे मेरे पास ले आओ। वो हमारी कंपनी का दुश्मन है और इसे गिराना चाहता है, और तुम कहते हो कि ये अयाज का काम है। मेरी बात सुनो, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। मेरे सामने कोई अयाज को चोर कहे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, अयाज ऐसा नहीं है। सब बचपन से ही चोर नहीं होते, अयाज चोर है। ये सब मेरे एक एतमाद वाले बंदे ने किया है, बहुत दिनों से वो उसके पीछे था। मेरी बात सुनो बेटा, अयाज ने हमेशा कंपनी का फायदा किया है। यहाँ तक कि जब भी कंपनी डाउन हुई उसने कंपनी को बचाने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए, और अपनी हिम्मत से, अपने दिमाग से, अपने हौसले से उसने इस डूबती हुई कंपनी को कई बार सहारा दिया है। अगर उसे पैसे की परवाह होती तो वो ये सब करता क्या, बताओ? जरूरी तो नहीं कि उसने ये सब कुछ पैसे के लिए किया हो, उसका मकसद कुछ और भी तो हो सकता है। अपनी आंखें खोल कर ये देखें, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका वो चहिता अयाज कैसा है। अम्मी खुदा के लिए बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? पूछ के क्या लोगे, बस तुम खामोशी से चलते जाओ। ये तारीख है वैसे कौन, ना माँ ना बाप, कोई कुछ समझता ही नहीं मुझे। मैं तो बेकार से चीज हूँ इस घर में। बेटा तुम कुछ भी कह लो, मगर एक बात जान लो, जो कुछ भी कहते या करते हैं उसमें तुम्हारा ही फायदा है। चलो बेटा जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। यकीन नहीं आता कि ये सब सच है। ये सब कुछ बिल्कुल सच है, देख ले, एक एक पेपर पर उसके साइन मौजूद हैं। हाँ यही है मेरे ख्याल में। यहाँ पर क्या है? रुको रुको, बस मुझे यही उतार दो, साइड पर कर लो। यहीं पर? हाँ हाँ यहीं पर उतार दो। रुको रुको रुको, रोक दो बेटा। अम्मे क्या है, पार्क में आ गई हैं आप, यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ओ तारिक कितने भोले हो तुम, कितनी भोली बातें करते हो। चलो ठीक है मैं लेट हो रही हूँ। अम्मी हाँ? तो फोटो वगैरह ना बनाना, फजूल में किसी ने देख लिया तो इंसल्ट हो जाएगी मेरी। पागलों जैसी बात ना करो, पहले लेट हो रही हूँ मैं। अम्मी वो मुझे थोड़े से पैसे तो दे दें आप। क्या, कैसे पैसे? तुम्हें जितनी दफा पैसे दिए तुम जुए में हार गए, अब कोई पैसे नहीं है। मैंने जुआ छोड़ दिया है अम्मी, अब इन्वेस्ट करता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मुझे पागल समझा है? जाओ जाकर अपने बाबा से मांगो पैसे। या अल्लाह कैसे निकलूं मैं इस खटारा गाड़ी से। उफ, ठीक है बेटा चलो जाओ, अपना ख्याल रखना। हाँ तो और क्या, तारिक कौन है, ये भी बाबा पर चली गई है। ओह सॉरी, लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं ऐसी बात नहीं, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ओह मेरे खुदाया, ये काम कितना मुश्किल हो गया है, कैसे पहचानूंगी मैं उसे? उसे तो मैंने देखा ही नहीं है, चारों तरफ कितने आदमी हैं। ऊपर से ये क्या बना दिया, छोटे बच्चों को डराने के लिए। जाओ अपने घर जाओ। एपिक मैडम आप कैसी हैं? क्या बात है? झूठ है ये सब, इल्जाम है, इल्जाम है इन सब का। ज़बान संभाल कर बात करो, वो रखी है टेबल पर फाइल। हमारी कंपनी को नुकसान हुआ है और उसके जिम्मेदार तुम हो। मुझे चोर कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अयाज ये फाइल तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत से सबूत हैं। इस इल्जाम के पीछे हकीकत क्या है, कौन कर रहा है ये सब कुछ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अगर ये फाइल झूठी है तो क्या ये कंप्यूटर्स का सारा डेटा भी झूठा है? मुझे इस कंपनी में आए काफी अरसा हो गया है, अगर ये सब कुछ झूठ ही बोला गया है तो अयाज पहले क्यों नहीं? हल्दून साहब मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया है,
आपके इस लाडले हयास पर चोरी का इल्जाम साबित हो चुका है। आगे आप खुद देख लें। इस कंपनी के लिए मैंने क्या कुछ किया है ये सब भूल गए तुम? बस बहुत हो गया। सवाज तुम बाहर जाओ, बैठ जाओ यास। लेकर आए हो क्या? क्या आप वो लेकर आई हैं जो मिस्टर सवाश ने कहा? ठीक है, खुदा हाफिज। देखो बेटा, मैं सुबह से ये फाइल देख रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा और इसमें कुछ फेक भी नहीं लग रहा बेटा। सवाश पर यकीन है? नहीं, मुझे उस पर यकीन नहीं। मैंने उसे कहा कि अयाज ये नहीं कर सकता, मगर जब उसने ये फाइल दिखाई मैं हैरान हो गया। आखिर ये सब क्या है बेटा? इतने सालों बाद आपके पास पला बड़ा हूं मैं। कभी भी शिकायत का मौका दिया मैंने आपको? नहीं। कभी आपसे झूठ बोला मैंने? नहीं। अपना बाप समझता हूं मैं आपको, वैसे ही प्यार भी किया। तब से लेकर आज तक इस कंपनी में आने के बाद भी एक रुपए का भी रद्दो बदल नहीं किया और ना ही कभी एक भी चीज को बेचने की कोशिश की मैंने। आखिर इतनी आसानी से आपने उस सवाश की बात मान कैसे ली? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। शायद तुम ठीक कह रहे हो बेटा, शायद तुम्हें फंसाने के लिए ये काम किया गया है। ये जरूर हमारे किसी दुश्मन का काम लगता है बेटा। इस कंपनी में इन सबको मैं लेकर आया, जितना मुझे खुद पर यकीन है उतना ही उन पे है। कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। देखो बेटा, मैंने दुनिया देखी है और किसी के माथे पर चोर नहीं लिखा होता। देखो याज बेटा, यहाँ बात पैसों की है और पैसा इंसान के ईमान को बदल देता है। गुनाह इतना ही बढ़ चुका है तो क्या अखबार वाले इसके लिए झूठी खबर नहीं बना सकते? मुझे ऐसी बातें सुनने का कोई शौक नहीं। मैं चोर नहीं हूं और ना ही कोई मुझे चोर समझे। छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे आप भी हो। सोचने के लिए अब कुछ नहीं बचा गुल। खलीज को मारने से पहले हल्दून का काम तमाम करना होगा और उससे भी पहले उस लड़के को ठिकाने लगाना होगा मुझे। अल्लाह का शुक्र है कि ये भी काम खत्म हो गया। अब मैं देखूंगी कि अयास के साथ क्या करना है। टैक्सी टैक्सी। जानान, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे अभी काम है। मुझे प्लीज माफ कर दो अयास, मैं ये सब करने पर मजबूर हूँ। ये किस कदर मुश्किल है तुम्हारे पास होकर भी दूर रहना। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने उससे कहा कि अयाज ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन जब उसने मुझे फाइल दिखाई तो मैं हैरान रह गया। फरहत सुनो, मैं अब भी कहती हूँ एक बार और सोच लो। सोचने के लिए अब कुछ नहीं बचा गुल। खलीज को मारने से पहले हल्दून का काम तमाम करना होगा और उससे भी पहले उस लड़के को ठिकाने लगाना होगा मुझे। हल्दून खुद ही खत्म हो जाएगा तब खालिद सहारा देगा हल्दून को। अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा गुल।
कोई भी नहीं बचेगा। तुम यही रहना। फरहत? हाँ बोलो गुल। नहीं कुछ नहीं। खलिजदान, आज मैंने भी एक मिशन पूरा कर लिया। बहुत जल्द आपके बेटे का नाम भी न्यूज़पेपर्स में आएगा। जानदान कंपनी का नया प्रेसिडेंट सवाश दान, हर न्यूज़पेपर में खबर होगी। सवाश? वाह, आज तुम यहां का रास्ता कैसे भूल गए? तुमसे मिलना जरूरी था। याद है हमने एक जरूरी काम के बारे में बात की थी? हाँ की थी। अब वक्त आ गया है, हमने जो सोचा था वो अब करना होगा। अरे वाह भाई, हो तो तुम जैसा हो, खुश कर दिया मुझे। हम बर्बाद हो गए कदीर, अगर उसे ना रुका तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जो हुआ से भूल जाओ, इस दफा जो उसने हमारे साथ किया है हमें बर्बाद करेगा। ये सब तो ठीक है, मगर उसने ये सब कर कैसे लिया? हाँ आखिर वो कैसे इतना बड़ा हीरो बन गया? पता नहीं, लगता है कोई बाहर से उसके लिए काम करता है। कोई कुछ नहीं कर सकता और हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। उन दहशतगर्दों को अनकरा में लाकर मारने वाला भी खलीज खुद ही था और उसके लिए काम करने वाले उसके ही आदमी थे। ये प्लान भी सारा खलीज का अपना ही था। उनको दहशतगर्दी के लिए यहां लाया और फिर उनको मारकर खुद ही हीरो बन गया। और इसके अलावा ये काम किसी और का नहीं है कदीर, वो हमें पागल बना रहा है। अच्छा तो तुम चुप करके क्यों बैठे हो? हाँ किसी को बताते क्यों नहीं? पर ये सब अकेला मैं कैसे कर सकता हूँ? वो एक ऑफिसर है और उसके खिलाफ कोर्ट में केस ले जाना कोई आसान बात नहीं। तुमने मुझे पागल समझ रखा है? तो इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे या फिर यहाँ बैठ के बातें बनाते रहेंगे? अब वो मेरे हाथों से किसी कीमत पर बच नहीं पाएगा। मेरे पास एक प्लान है, सक्सेसफुल रहा तो वो नहीं बचेगा और अगर नहीं तो फिर हम नहीं बचेंगे। अब तुम भी तैयार हो जाओ, और अगर इसके बावजूद भी हम नाकाम हुए तो हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से जाना होगा। क्या मतलब? हाँ भागना होगा इडियट। अगर गलती से भी खलीज बच गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। या तो फिर बुरी मौत मरना या फिर इज्जत बचा के भाग जाना। समझ आई तुम्हें? इन्हें मेरे पास ही रहने दे, मैं अपनी अम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम अकेली बिल्कुल नहीं हो, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, मुझे उनके पास ले जाइए। अम्मी आपको क्या हो गया है? अम्मी आंखें खोलें। अम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास नहीं भेज सकती। चुप कर जाओ, वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगी। अब अकेली कैसे रहूंगी मैं? मुझे मेरी अम्मी के पास भेजे। प्लीज अब तुम चुप कर जाओ। मेरी अम्मी। बस इतना याद रखो, तुम लोगों ने आज रात को निकलना है। मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। ये काम होते ही अयाज जेल चला जाएगा और हमारी जान छूट जाएगी, क्या समझे? आइए आइए, खुश आमदीद अय्याज साहब। खुश आमदीद खलील साहब। हाँ तो कैसा जा रहा है सब? कोई मसला तो नहीं? नहीं तो, शुक्र है अल्लाह का सब कुछ ठीक जा रहा है। एक बात बताएं,
मटेरियल तो ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप? ये कैसी बात कर रहे हैं आप अय्याज साहब? मेरा यकीन करें, ऊपर से नीचे तक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया है जो आजकल की नई बनने वाली बिल्डिंगों से 3 गुना मजबूत है। ठीक है, यानी बहुत मजबूत होगी ये? मजबूत तो छोटा लफ्ज है सर, ये पत्थर से भी मजबूत है। इस बिल्डिंग का एक नाम होगा सर। इंशाल्लाह खलील साहब, इंशाल्लाह। अच्छी बात है ये। सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैंने कहा कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, मैं असल में आपके साथ एक कप चाय पीने के लिए आया हूँ। सर जी, आपको चाय क्यों नहीं पिलाएंगे? रजब, जल्दी से 2 चाय बनाओ। हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? अंदर चल के बैठते हैं, क्या ख्याल है? चलिए। ठीक है, चलिए। मेरी अम्मी क्यों चली गई? अगर आप ना आती तो ये रो रो के बुरा हाल कर देती। क्या होगा इस बच्ची का? कहाँ जाएगी ये? क्या इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ? कोई नहीं, 1992 में जो जलजला आया था ना, उसमें सब मारे गए। और क्या तुम जानती हो, इसकी बिनाई भी तभी चली गई। अगर कुछ दिन की बात होती तो हम इसे संभाल भी लेते, मगर हम खुद भी तो गरीब लोग हैं। मैडम, आप इसके लिए कुछ कीजिए ना, आप तो कर सकती हैं। इसे किसी यतीम खाने भिजवा दें। नहीं, मुझे इसे कभी भी वहाँ नहीं भेजना। तो फिर हम इसे कैसे संभालेंगे बताइए? हम तो अपने बच्चे नहीं संभाल सकते, कौन रखेगा इसका ख्याल? मैं खुद रखूंगी, मुझे कहीं नहीं भेजना इसे, अभी ये मेरे पास रहेगी। इस काम की एक एक स्किल मैंने आपसे सीखी है, इसलिए आपको चाय बनाकर दे रहा हूँ, वरना मैं किसी के काम नहीं करता ऐसे। बहुत खुशकिस्मत हैं आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं अय्याज साहब? ये सब तो आप ही की मेहनत का नतीजा है। नहीं नहीं, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई उस्ताद ना हो तो। उस्ताद का होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। हाँ तो हालात कैसे चल रहे हैं आपके? गुजारा हो जाता है ना? बस आजकल के दौर में गुजारा करना ही पड़ता है। मेरे 2 बेटे हैं, एक माजूर है, आधे से ज्यादा पैसे तो उसके इलाज पे खर्च हो जाते हैं। आप खुद ही बताइए कि एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? एक बेटे की पढ़ाई का खर्चा है, दूसरे के इलाज का खर्चा है, कुछ पैसे इकट्ठे होंगे तो फायदा होगा ना? जब एक आदमी कमाने वाला हो और 4 खाने वाले हो तो सिलसिला ऐसे ही चलता है। अब कैसे बताऊं कि क्या क्या परेशानियां आती हैं जिंदगी में। मुझे लगता है कि हम सारी जिंदगी ऐसे ही बिल्डिंग्स बनाते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हैं आप खलील साहब, ठीक कह रहे हैं आप। ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाए, इसके बाद एक और काम दूंगा आपको मैं। अरे क्या बात है आपकी, जब तक जिंदगी है ऐसे ही काम करते रहेंगे और आपको दुआएं देते रहेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे अय्याज साहब। आपको भी खलील साहब, आप भी खुश रहें। देखो जैसे ही वो बिल्डिंग गिरेगी तो समझो अय्याज का किस्सा खत्म हो गया। तुम्हारा प्लान मुझे पसंद नहीं आया अश्वाश। क्या मतलब पसंद नहीं आया? वो बिल्डिंग ना गिरी तो क्या होगा? तब क्या करोगे? कोई नया प्लान बनाओगे? और अगर किसी को तुम्हारे इस प्लान के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? मुझे किसी की परवाह नहीं, कई हफ्तों से प्लान कर रहा हूं और एक एक चीज का हिसाब लगा लिया है मैंने। ना तो उस बिल्डिंग में कोई आदमी होगा और ना ही किसी को कुछ होगा, समझ गए? और वैसे भी हमने ये काम रात में करना है, कोई हमें देख भी नहीं सकेगा। मैं कुछ नहीं कह सकता सबाश, मुझे नहीं मालूम। मैं सब संभाल लूंगा, तुम इजी हो जाओ। बस इतना याद रखो, तुम लोगों ने आज रात को निकलना है। मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं, ये काम होते ही अय्याज जेल चला जाएगा और हमारी जान छूट जाएगी, क्या समझे? ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं होगा तो फिर तैयार हूं मैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हमें पहली फुर्सत में अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल करनी होगी और सारे पैसे अपने पास रखेंगे, बैंक में रखवाने की जरूरत नहीं है। मगर किस लिए? क्या मसला इतना बढ़ गया है? मैं माफी चाहता हूँ,
माफी चाहता हूँ। बस एक बार हमारे दुश्मन खलिजदान वाला मसला हल हो जाए, फिर उसके बाद सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, वरना हमारे पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अब मैं क्या कहूँ? जोहरा, देखो मेरी जान, ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है और बाद में हमारा अपना फायदा है। हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, हाँ क्या कहती हो जोहरा? हाँ, मगर नसरीन बेगम का क्या होगा? मेरा मतलब, कहाँ जाएंगी वो? वो इतनी बड़ी रुकावट नहीं है, उसे कहीं भी भेज देंगे या उसकी देखभाल के लिए किसी को रख लेंगे। मेरी जान, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अब हमने उसका क्या करना है, वो किसी काबिल भी नहीं रही। तुम उसे छोड़ो, हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, तुम समझ रही हो ना? ठीक है, मैं सब समझ गया। बशीर, तुम सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, जोहरा मैडम उन पर साइन कर देंगी। आ गई ना समझ? जी सर, मैं कर लूंगा। हाँ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। हाँ हेलो सवाश बेटा, मैं एपिक बात कर रही हूँ।